हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, IPL अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया है, जो कि ग्रैंड फिनाले से पहले होगा। IPL का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला जाएगा, जहां इस साल की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। दोनों ही टीम टॉप 3 में स्टेबल और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा खेल के भी आ रही है। एक तरफ जहां पे संजू सैमसन के स्थान रॉयल्स है, जो कि इलिमिनेटर में RCB को हरा कर आ रही है, तो वहीं दूसरी साइड बात करेंगे जो कि पैट कमिंस की हैदराबाद, जो क्वालिफायर 1 में कोलकाता से हार गई है। अब यहाँ दोनों की टक्कर जोरदार होगी, जो भी टीम यहाँ जीतेगी वो फाइनल में कोलकाता से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। यह मैच 24 मई को चेन्नई के M.M. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 19 मैच खेले गए, जिसमें से हैदराबाद 10 मैच जीत के आ रही है, तो राजस्थान 9 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे चपा के पिच हमेशा पेस बॉलर को सूट करती है, पेसर को यहाँ एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, पेस बॉलर को डेथ ओवर प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्ड्स भी पेस बॉलर को एज देता है। पिच कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे टॉस जीतकर टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, वहीं पेस बस से स्पिन का रेशियो 3.1:1 का। अब बात करते हैं कि वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 82% रहेगा और टेम्परेचर 30°C रहेगा। वहीं अगर बात करें कि विनिंग परसेंटेज देखें, जहां पे बैटिंग फॉर्स का यहां पे 57% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फॉर्स का यहां पे 41% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 164 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 151 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे लगातार हार के बाद आखिरकार स्थान ने पलटवार किया, एलिमिनेटर मुकाबले में RCB को हराकर बाहर कर दिया, आप टीम खिताब से बस 2 कदम की दूरी पे है। वही ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि कॉलर कैडमोर और यशस्वी जायसवाल, जो कि अच्छा स्टार्ट दिए थे नंबर 3 पर, जो कुछ संजू सैमसन का बल्ला पिछले कुछ महीने से शांत है। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में टीम की ताकत रियान पराग, पराग ने अब तक 570 रन बनाकर टीम के लीडिंग स्कोरर भी, वहीं पर पराग टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी जीत सकते हैं। सिमरन हेटमान रोहन पोहन लास्ट गेम में मैच को फिनिश किया था, टीम की बॉलिंग बेहद ही मजबूत है, लास्ट मैच में बॉलिंग के दम पर ही टीम ने RCB को बस 172 पे ही रोक दिया था। वहीं बॉलिंग में टीम 5 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही है, सभी बॉलर्स विकेट भी ले रहे हैं, जहां पर ट्रेंट बोल्ट जो कि 14 मैच में 13 विकेट लिए, वहीं पर संदीप शर्मा ने 11 और अवेश खान ने अब तक 16 विकेट ले चुके हैं। स्पिन बॉलिंग में जहां पर अश्विन जो कि लास्ट गेम में कमाल का स्पेल डाला और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, वहीं पर युजवेंद्र चहल जो कि 18 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं स्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, कॉलर कैडमोर है, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल, अवेश खान, रॉबिन पॉवेल, अरविंद चरण, अश्विन, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि सिमरन हेटमायर, डिनोन फेरारिया, कुलदीप सैन, नवदीप सैनी, नादे बर्ग। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि संजू सैमसन, रियान पराग, UG चहल है। अब बात करते हैं दूसरी टीम, यानी सनराइजर हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करने वाली टीम प्लेऑफ का दबाव खेल नहीं पाई। पहले क्वालिफाइंग टीम की बैटिंग पूरी तरह बिखर गई, टीम KKR के खिलाफ 159 पे ही ऑल आउट हो गए थे, आसानी से मैच हार गई, तो भला हो कि टीम टॉप 2 पे थी, जिसके चलते टीम को एक और चांस मिला फाइनल में जाने का। अब यहाँ टीम को कोई असर नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि फाइनल में जाकर 8 साल का खिताबी सूखा खत्म करना चाहेगी। ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि ट्रैविस सेट, अभिषेक शर्मा जो कि लास्ट गेम में जल्दी आउट हो गए, तो वहीं पर हेड 533 रन के साथ टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी को मौका मिला, उन्होंने सबसे ज़्यादा 55 रन बनाए थे। फिनिशिंग में हेनरी क्लासन भी अब तक 413 रन बना चुके हैं। वहीं पर लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर नितेश रेड्डी टीम के प्लस पॉइंट है, जहां पर सवाज अहमद और अब्दुल अहमद को भी बैट से रन बनाना होगा। बॉलिंग में टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टीम ने टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन का साथ खेल रही है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार लास्ट गेम में विकेट लेस थे। वहीं पर पैट कमिंस जो कि 14 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, नटराजन भी अब तक 18 विकेट ले गए, टीम के लिए विकेट टेकर भी। वहीं श्रीलंका के मिश्री स्पिनर विजय कांत जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था, उनकी जगह मार्को जैनसन को चांस दे सकती है। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नितेश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद,
नटराजन है, विजय व्यास, कान, पैट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि सनवीर सिंह है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्लेन फिलिप्स है, जयदेव है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नटराजन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर हैदराबाद हो सकता है, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।